खम्मागनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और एमआरपीएन चिटचैट सीरीज का आज हम थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे प्लस लर्नर ने अभी अभी दिसंबर में ज्वाइन किया है इन्होंने। इनका नाम है सपना, ठीक है, सपना बैरवा, जयपुर से हैं, ठीक है। और इनको स्टार्टिंग से तैयारी करनी है, तो आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 12th पास आउट करते हैं और आरएएस की तैयारी शुरू करना चाहते हैं। तो सपना के पास आइडियली 3 साल है, तो 3 साल में आप अपने आरएएस को कैसा फ्रेम कर सकते हो, कैसी अपनी तैयारी कर सकते हो, तो उन सभी के लिए जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो सपना, वेलकम ऑन मारो राजस्थान चैनल, कैसे हो आप? मैम बढ़िया। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, कितने खुश हो रहे हो चलो सही है। अच्छा, अभी अभी 12th पास आउट किया है, कितने परसेंट मार्क्स आए 12th में, कितने परसेंट मैं मार्क्स? 80%। अरे वाह सही है, 80 80%, ठीक है। और ये इंग्लिश मीडियम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है जो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, बीए बीएससी किसमें एडमिशन लोगे, अभी क्या स्टार्ट करोगे? बीए बीए करोगे, बीए बीए, ठीक है, यस चलो मैम। ठीक है। तो पूछो जो भी क्वेश्चन है आपका, शुरू हो जाओ जो मर्जी आपका जो। अच्छा, कितने घंटे मिलते हैं पढ़ने के लिए ये भी बताओ, कितने घंटे मिलते हैं पढ़ने के लिए? 11-12 hours। 11 to 12 hours, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आज का हमारा सेशन चलेगा, ठीक है, चले ठीक है। पूछो क्या पूछना चाहते हो। मैम मतलब स्टेप वाइज हम कैसे आरएस का पूरा कोर्स कैसे कवर करें, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कहाँ से क्या पढ़ना है, बुक्स वगैरह। ठीक है, ठीक है। देखो, आरएएस का है, आपके पास 3 साल का टाइम, बहुत बड़ा टाइम होता है, ठीक है। तो आप मान के चलो कि आप एग्जाम से पहले 10 बार रिवीजन तो करोगे ही करोगे, ठीक है। 10 बार रिवीजन आपको करना ही करना है, 10 से 15 बार। मैं 15 बार बोलूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, 15 बार आपको रिवीजन करना है। तो आप जैसे शुरुआत कर रहे हो तो सबसे पहले सिलेबस की कॉपी निकाल लो, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी, दोनों सिलेबस की कॉपी निकाल ली। तो आप सिलेबस को ध्यान से पढ़ो, कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, सब्जेक्ट के अंदर छोटे छोटे टॉपिक कौन से, वो भी ध्यान से देखो कि राजस्थान हिस्ट्री में क्या दिया गया है, ठीक है। शुरुआत से लेके लैंडमार्क्स पूछे हैं कौन कौन से डायनेस्टीज के, फिर आपको कॉमन सब्जेक्ट छांट लो अपने। सबसे पहले तैयारी की शुरुआत करो प्री और मेंस के कॉमन टॉपिक से जो दोनों के अंदर आएंगे, जैसे कि राजस्थान जीके दोनों में है, इंडिया जीके दोनों में है, वर्ल्ड जीके के कुछ पार्ट्स होंगे जो मेंस के अंदर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तैयारी कॉमन टॉपिक्स की करो, उससे आपको ये नहीं रहेगा कि प्री की कर रहे हो तो मेंस की नहीं हो रही और मेंस की कर रहे हो तो प्री की तैयारी नहीं हो रही, तो ये डाउट रहेगा, ठीक है, तो ये डाउट आपका हट जाएगा। और फिर सबसे ज्यादा आपको दिक्कत आएगी बुक लिस्ट में, ठीक है, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको बुक लिस्ट नहीं पता कौन सी बुक लिस्ट चाहिए कौन सी नहीं। तो राजस्थान जीके के लिए देखो इंग्लिश मीडियम में कंटेंट है नहीं अवेलेबल, बिल्कुल बहुत कम अवेलेबल है, इक्का दुक्का बुक आती है जैसे डॉक्टर भल्ला आती है या राजस्थान आज तक आती है, ठीक है। बाकी हिंदी मीडियम की बुक्स हैं तो वो आपको ट्रांसलेट करनी पड़ती है, तो आपको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। इंडिया वर्ल्ड जीके इंग्लिश मीडियम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको दिक्कत आएगी राजस्थान जीके में, तो इन सारे टॉपिक्स के लिए आप ऑलरेडी प्लस पे हो। जो लोग लर्नर्स प्लस पे नहीं है उनको मैं जेन्युइनली बता रही हूँ कि आप लोग प्लस को ज्वाइन करिएगा आरएएस कोर्स हमारा, तो आपका जो राजस्थान जीके पोर्शन जिसमें आपको बहुत दिक्कत आती है कवर करने में, तो वो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको राजस्थान जीके करनी चाहिए, ठीक है। एक पेपर मेंस का पकड़ लो, मेंस का इंग्लिश और हिंदी का पेपर, उसको हफ्ते में 2 दिन रखो, हफ्ते में 2 दिन, ठीक है। पहले इंग्लिश उठा लो या फिर पहले हिंदी उठा लो, ठीक है। हफ्ते के 2 दिन, 2 दिन में आप अपना फिक्स कर लो कि 3-3 घंटे या 4-4 घंटे मुझे इंग्लिश और हिंदी पढ़ना है, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले राजस्थान जीके कर लो, उसके बाद इंडिया जीके कर लो, और उसके बाद जो मेंस के जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उन सबको बाद में पूरा कर सकते हो आप, ठीक है। तो पहले शुरुआत के आपके पास तो 3 साल का समय, तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो जाता है। तो राजस्थान जीके करो तो आप अपना टारगेट कर लो कि 6 महीने में, ठीक है, या 4 महीने में मुझे अपनी राजस्थान जीके कंप्लीट करनी है। 6 मंथ्स का टाइम कहूंगी मैं राजस्थान जीके का टाइम रखो, साथ में करंट अफेयर्स के लिए डेली 1 घंटा आधा घंटा मूमल या क्रोनोलॉजी मैगजीन लेना शुरू कर दो, उसको पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। और तो 3 साल का टाइम बहुत है, जिस टाइम आप पेपर दे रहे होंगे इस आज के करंट अफेयर्स हो सकता है ना काम आए, लेकिन आपकी आदत बन जाएगी करंट अफेयर्स को पढ़ने की,
ठीक है, वो आपकी हैबिट पड़ जाएगी, तो आपको अखरेगा नहीं कि करंट अफेयर अलग से तैयार करने हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। या फिर उसका हमारे जो वीडियोस आते हैं डेली वो देख सकते हो, वीडियो देखने के बाद मैगजीन में देख लो कोई टॉपिक छुटा तो नहीं है, कोई करंट अफेयर रह तो नहीं है जो मैडम ने नहीं कराया, उसको मार्क करके वो वाला करंट अफेयर आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो। और डेली के आपके पास आपने बताया 11-12 घंटे हैं, ठीक है, तो आप बहुत आराम से तीन सब्जेक्ट उठा लो, या तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर उठाया है, साथ में राजस्थान ज्योग्राफी उठा लो, ठीक है। एक आपका ये हिंदी इंग्लिश वाला मैंने बताया 2 दिन करो, अभी के लिए मैं बताऊंगी कि आप 2 दिन करो। तीसरा सब्जेक्ट क्या उठाओगे, तीसरा आप उठा लो मैथ्स रीजनिंग वाला, जो सिर्फ प्रीलिम्स के अंदर है, उसको डेली बस 2 घंटे प्रैक्टिस करो, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, ठीक है। उसमें राजस्थान जीके रीजनिंग करने में और साइंस करने में, ये तीन सब्जेक्ट्स आप करोगे तो प्रीलिम्स के लिए एक बड़े वाला बूस्ट आपको मिल जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे अपना टाइम फ्रेम कर लो कि डेली के 2 सब्जेक्ट तो हैवी वाले बड़े वाले सब्जेक्ट करने हैं, और एक सब्जेक्ट मुझे हल्के वाला करना है, ऐसे बिल्कुल लाइट, जैसे कि करंट अफेयर्स हुआ या मैथ्स रीजनिंग हुआ या इंग्लिश हिंदी हुआ, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। और बुक लिस्ट की बात बता दूं तो बुक लिस्ट बहुत सिंपल रखनी है, इंडिया और वर्ल्ड जीके के लिए एनसीईआरटी करनी है, मेरी स्पेशल क्लास है बुक लिस्ट के ऊपर, फ्री कोर्स पड़ा हुआ है अनअकैडमी पे, वो जाके देखो, सारी बुक लिस्ट मार्क कर लो कि कौन कौन सी बुक लिस्ट हमें चाहिए, ठीक है। और शुरू में तैयारी करो तो बहुत सिंपल रखो अपनी चीजों को, बहुत ज्यादा सिंपल, कॉम्प्लिकेट नहीं करो, एक बुक रखो उसी को 10 बार आपको पढ़ना है, और अभी से जिस्ट नोट बनाने की तैयारी की कोशिश कर लो, शुरू कर लो जिस्ट नोट्स बनाने की, ठीक है बच्चे। और फिर जो 5 दिन के अंदर पढ़ो, सैटरडे को उसको रिवाइज करना ही करना है, और संडे को उसके एमसीक्यूज बनाने और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ऐसे, ठीक है। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं लगेगा। हाँ, और कुछ जो भी डाउट हो पूछ लो, आज बिंदास पूछ लो, जो भी आपके मन में डाउट आए। हाँ, न्यूज़पेपर कौन सा बेस्ट रहेगा? अच्छा, न्यूज़पेपर ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, सबसे ज्यादा बच्चे परेशान रहते हैं न्यूज़पेपर को लेके, तो न्यूज़पेपर का मैं बताती हूँ। देखो, यूपीएससी में बच्चे पढ़ते हैं द हिंदू, ठीक है, आप कोई भी एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द हिंदू कर लो, टाइम्स ऑफ इंडिया कर लो, या इंडियन एक्सप्रेस कर लो, उसमें पढ़ना क्या होता है, मेनली एडिटोरियल पढ़ना होता है, वो होता है मेंस की आदत के लिए, ठीक है। राजस्थान के लिए या तो सुजस मैगजीन आएगी, वो मैगजीन पढ़ लेना, ठीक है, या राजस्थान पत्रिका का एक आधा कोई आर्टिकल आता है, तो उसका आसान तरीका बताती हूँ। कुछ बच्चे पूछते हैं न्यूज़पेपर के बिना भी तैयारी की जा सकती है, तो की जा सकती है तैयारी, ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो आपकी तैयारी होगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर, उसको एक ही सेक्शन में रखो, उसको अलग अलग नहीं करो। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल रहे हो तो आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, तो आजकल तो ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। यूट्यूब पे जाओ, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आते हैं आजकल, 3-4 मिक्स्ड, एक किसी भी टीचर का एक वीडियो फॉलो करना शुरू कर लो जिनका आपको समझ में आता है, ठीक है, वो एक तो आपको 1 घंटे में करा देंगे, 1 घंटे में करा देंगे, और आप उनके नोट्स बना सकते हो, या वो आपको पीडीएफ भी देते ही हैं, आजकल पीडीएफ मिल जाते हैं। जैसे अनअकैडमी पे करोगे तो मैं बताती हूँ, सुबह सौरभ पांडे सर का आते हैं, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है, अनअकैडमी के एडिटोरियल के लिए आप वो देख सकते हो। अगर खुद पढ़ना है आपको तो एडिटोरियल पढ़ो, 1 घंटे से ज्यादा न्यूज़पेपर पे लगाना नहीं है, शुरू में आपको 2 घंटे भी लगेंगे, 3 घंटे भी लगेंगे पढ़ने के अंदर। न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या होता है, शुरू के 2 पेज पढ़ने होते हैं, ठीक है, या टाइम्स ऑफ इंडिया लगा लो, उसमें राजस्थान की भी न्यूज आ जाएगी आपकी, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया लगाओगे तो राजस्थान का भी आ जाएगा, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के शुरू के 2 पेज, एक राजस्थान वाला पेज, एक एडिटोरियल, बस इतना ही पढ़ना है, और उसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स बना के लिख लो। अगर तो ये प्रैक्टिस आप 3 साल फॉलो कर सकते हो तब तो इसको करो न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर ये नहीं हो 4 दिन पढ़ा फिर छोड़ दिया फिर पढ़ा, तो उसका आसान तरीका है मूमल या क्रोनोलॉजी मैगजीन करो। इंग्लिश मीडियम के लिए कोई भी एक बहुत अच्छी मैगजीन्स आती है, उनको आप फॉलो करना शुरू कर सकते हो, ठीक है, तो और एक वीडियो एडिटोरियल का देख लो, तो वो आसान तरीका है करने का, तो उससे आपका जल्दी तैयारी हो जाएगी। तो आपकी मर्जी है, न्यूज़पेपर करो तो मैं कहूंगी उसको फॉलो भी करना, उन नोट्स को ये सोचना कि मुझे इनको रिवाइज भी करना है, आपको तो लास्ट साल में जरूरत पड़ेगी न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने के लिए, अभी 2 साल में ये कहूंगी आपको, 1 साल तो खास तौर पे आप सिर्फ सुनो, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शुरू में, ठीक है, पढ़ने की आदत डाल लो, उनको सुनने की आदत डाल दो, मैगजीन को कवर करने की आदत डाल लो, बस आप नोट्स बनाना शुरू करना लास्ट के 1 साल के उसमें, जब आप थर्ड ईयर में पहुंच जाओगे तब, क्योंकि अभी के पढ़े हुए करंट अफेयर्स उस टाइम पे इतना काम तो नहीं आएंगे आपको, है
है ना, तो लास्ट ईयर में नोट्स बनाना शुरू करना। अभी आप सिर्फ आदत डाल लो, दोनों में से एक तरीका चुन लो आप, या तो अपने खुद के न्यूज़पेपर या फिर कोई भी मैगजीन फॉलो करनी है आपको, क्रोनोलॉजी फॉलो करनी है क्रोनोलॉजी, मूमल करनी है मूमल, ठीक है। और डिटेल्स के लिए मैं बता देती हूँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चे विजन के पढ़ सकते हैं, मैनुअल मंथली मैगजीन आती है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे दृष्टि मैगजीन फॉलो कर सकते हैं जिनको न्यूज पेपर नहीं पढ़ना, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और डेली का 1 घंटे से ज्यादा, 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगाना उसके ऊपर, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ठीक है, ऐसे करना है। हाँ तो कौन सा अपनाओगे आप, कौन सा अपनाओगे पहले ये बताओ, बाद में पूछना। न्यूज़पेपर पढ़ोगे या मैगजीन से पढ़ोगे? बोथ बोथ, बोथ से बात नहीं बनेगी, एक ही अपनाना, ठीक है। हाँ क्योंकि दोनों में फिर कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा, फिर सारा दिन करंट अफेयर्स में निकल जाएगा, फिर जो स्टैटिक तैयार करना है ना सिलेबस, हाँ मैगजीन से कर लो, बहुत आसान है, सिंपल, जल्दी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। या फिर आराम से सोच लेना, अभी मैं तो मजाक के लिए ऐसे ही पूछ रही थी, आराम से सोच लेना, ठीक है। हाँ और पूछो, क्या पूछना है? मैम, बुक्स वगैरह जैसे इंग्लिश मीडियम के लिए? हाँ इंग्लिश मीडियम के लिए बताया, राजस्थान जीके की तो आती है डॉक्टर भल्ला, और राजस्थान आज तक आती है, ठीक है, लेकिन वो सफिशियंट नहीं है उसके लिए। आप तो प्लस पे हो, आपको दिक्कत नहीं है, हम सारा सिलेबस कराएंगे, लेकिन जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उनको बता दूँ, हिंदी मीडियम की जैसे राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, ठीक है, वो मैं करवाऊंगी इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेट करके, यूट्यूब पे मैं करवाई दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 9 to 12 मुझे करानी है, मैं सबको कराऊंगी, वहां से कर लेना, ठीक है। राजस्थान अध्ययन की बुक्स करनी है, या फिर हिंदी मीडियम की, अगर आप खुद ट्रांसलेट कर सकते हो तो ट्रांसलेट करके पढ़ो, हिंदी मीडियम की किताब के बिना गुजारा नहीं होगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम की बुक से काम नहीं चलेगा, उसमें बहुत कम कम दिया रहता है, मतलब बेसिक तैयार हो जाएगा लेकिन पूरी बात नहीं बनेगी उससे, तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं सारा आपको तो मैं प्लस पे करवा ही रही हूँ, ठीक है। और राजस्थान अध्ययन की भी अब आज सबके सामने यूट्यूब पे बोल दिया, 9 to 12 करवाऊंगी तो वो भी करवा ही दूंगी, ठीक है, ऐसे। तो अध्ययन की किताबें पढ़नी मैम है। हाँ प्लस कोर्स पे आप कौन कौन से सब्जेक्ट है और आप जो पढ़ाते हो? सारे, मैं तो सारे ही पढ़ाती हूँ, आरएएस मेंस मैथ्स रीजनिंग नहीं पढ़ाऊंगी, मिडिवल इंडिया ये हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगी, उसके अलावा तो मेरे सारे कोर्सेज आप देखोगे, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, सब मिलेंगे आपको A to Z, आरएएस प्री और मेंस का मैं अब लगभग। हाँ हाँ बोलो। इंग्लिश मीडियम के लिए अभी तो आपने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया है बस? अभी किया है ना एस्पायर आरएएस में, देखा होगा आपने इंग्लिश मीडियम का, है ना, तो उससे पहले मेरे टारगेट आरएएस के बहुत सारे कोर्सेज पढ़े हुए, 10 पार्ट में पढ़े हुए हैं, उसमें मैंने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर भी करा दिया, राजस्थान हिस्ट्री करा दिया, राजस्थान ज्योग्राफी करा दिया, तो आप वो सारे रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो मेरे जाके, तो इसका इंग्लिश वीडियो मीडियम में है? अच्छा इंग्लिश मीडियम में है, नोट्स भी हैं, पीडीएफ भी है, देखो ये प्लस अभी अभी ज्वाइन किया, इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं है, तो मैं व्हाट्सएप पे आपको लिंक भेजूंगी मेरे सारे कोर्सेज का, टारगेट आरएएस पार्ट 1 से लेके 10वें पार्ट तक, आप वो वीडियो देखोगे, आप मैम, बहुत एंजॉय करोगे, बहुत सिंपल हो जाएगी आपकी तैयारी, ठीक है, तो आपको तो परेशान वो होने की आप जरूरत नहीं है। हाँ 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 बोलो। ने आपके बाकी और वीडियोस जो डालते हो मारो राजस्थान वाला, सब बहुत अच्छा है, इजी ट्रिक से जल्दी याद होता ये है। ट्रिक्स तो मुझे लग रहा है मुझे डेली कंटिन्यू करना पड़ेगा, लर्न विद ट्रिक्स वाला वीडियो सबको बहुत पसंद आता है, थैंक यू सो मच। हाँ सबको, उस पे सारे देखा करो, देखो जो आप प्लस में पढ़ते हो, मैं बिजोलिया आंदोलन करवाऊंगी वहां पे, ट्राइबल मूवमेंट्स करवाऊंगी, ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे जो प्लस का रिविजन है मैं यूट्यूब पे करवा रही हूँ आपको, ब्लैक बोर्ड क्लास पे, बिजोलिया आंदोलन 10 मिनट में रिवाइज कराया, उसके बाद फिर सुपर फास्ट सीरीज में मैंने वो 2 मिनट में रिवाइज किया, तो आपको आदत ऐसी ही डालनी है कि जब आप तीसरे साल में पहुंचो, स्टैटिक पोर्शन तो आपका रेडी होना चाहिए, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन बिल्कुल तैयार हो, सिर्फ आपका करंट रह जाए, जब आप तीसरे साल में पहुंचो तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि राजस्थान जीके भी रट लिया है, इंडिया जीके भी रट लिया है, वर्ल्ड जीके भी रट लिया है, ऐसे, ठीक है। और मेंस के जो टॉपिक्स हैं जैसे सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो 20-20 दिन के टॉपिक है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम आपका लगेगा राजस्थान जीके इंडिया जीके तैयार करने में, बाकी जो टॉपिक्स है वो बीस बीस 15-15 दिन के टॉपिक है, अगर स्मार्ट स्टडी करोगे तो वो टॉपिक बहुत जल्दी कवर किए जा सकते हैं, उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, ऐसे। तो पहले अपने 6 महीने में मैं बता रही हूँ, हाँ राजस्थान जीके कर लो, उसके बाद इंडिया जीके पे आ जाना, ठीक है, अगले 6 महीने में इंडिया जीके करोगे, हाँ तो आपकी तैयारी बहुत सही हो जाएगी, साइड बाय आप अपना प्लान कर लो, हर महीने दो दो सब्जेक्ट उठा लिया करो कि इस महीने मुझे ये सब्जेक्ट करना है, इस महीने ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ऐसे करके, ठीक है, एक साल हम में सिलेबस कवर कर लो आप अपना। सर
हाँ बोलो बोलो बोलो, सॉरी। एनसीईआरटी बुक्स वगैरह कौन सी क्लासेस की तक पढ़नी है, मतलब जैसे एनसीईआरटी बुक्स बेस के की लिए स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हाँ देखो, राजस्थान जीके के लिए तो राजस्थान अध्ययन की किताबें करनी है, 9th to 12th वाली, ठीक है, 9th to 12th वाली करनी है। वो हिंदी में मैं करवा दूंगी ना ट्रांसलेट करके इंग्लिश में, आपको सारा पका पकाया मिल जाएगा, परेशान नहीं हो, ठीक है, मैं सारा इंग्लिश में करा दूंगी। इंडिया का मैं बता रही हूँ, एनसीईआरटी किताबें करनी है 9th से लेके 12th तक की, लेकिन पेज टू पेज नहीं पढ़ना। आप अपना सिलेबस देखो कि सिलेबस में इंडस वैली सिविलाइजेशन दे रखा है, तो 9th से 12th क्लास में जहां जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको पढ़ के उसके नोट्स बना, ऐसे, ठीक है। और मॉडर्न इंडिया में जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट दे रखा है, तो वो इंडियन नेशनल मूवमेंट 12वीं क्लास के एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, तो आपको एनसीईआरटी बुक में अपना सिलेबस मार्क करना है इंडेक्स में पहले पेज पे कि ये टॉपिक मेरे इंडेक्स के आरबीएससी हैं। हाँ की बुक, हाँ हाँ बोलो, आरबीएससी की बुक पढ़ना 9 to 12th। हाँ हाँ पढ़नी है वो तो, करनी है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। हाँ ओके हाँ आरबीएससी वाली तो करनी है, उसके लिए परेशान मत हो, मैं करा दूंगी, उसमें जितना पोर्शन कवर होगा जो इम्पोर्टेंट होगा वो वहां से, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं कई बार। इंडिया की एनसीईआरटी पढ़नी है, इंडिया जीके की जो एनसीईआरटी है, तो वो किताबें आपको पूरी किसी को नहीं रटनी, सिर्फ जो सिलेबस में टॉपिक्स है वो मार्क कर लो पहले पेज पे कि मुझे ये चैप्टर्स पढ़ने हैं जो जो मेरे सिलेबस में है, सारी नहीं पढ़नी, पेज टू पेज वर्ड टू वर्ड नहीं रटना, क्योंकि ये मिथ बहुत बच्चों को रहता है कि 6th से 12th तक की सारी एनसीईआरटी पढ़नी है, तो ऐसा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ टॉपिक बेस्ड पढ़ो, जैसे इंडिया हिस्ट्री उठाइए, इंडिया हिस्ट्री के लिए 11th 12th की किताब काफी है आपकी, ठीक है, 11th 12th की किताब काफी है, तो वहां से पढ़ोगे हो जाएगा मॉडर्न इंडिया। और एंशियंट के लिए 6th to 10th वाली देखनी पड़ती है आपको, एंशियंट के लिए, या वो भी 11th 12th वाली कर लो, उससे भी काम चल जाएगा आपका, एक एक बुक से भी किया जा सकता है। यहाँ पे मैटर करेगा कि कम से कम पढ़ो एक टॉपिक को, कम से कम रिसोर्स से पढ़ लो, लेकिन उसको रिवाइज 10 बार करो, ठीक है, 10 बार रिवाइज करो। और जो टॉपिक एक बार पढ़ते हो उस टॉपिक को एक बार पढ़ने में 6 घंटे लग रहे हैं तो लगा लो, 7 लग रहे हैं लगा लो, 3 दिन लग रहे हैं 3 दिन लगा लो, लेकिन उसको 1 महीने बाद फिर नए सिरे से नहीं पढ़ना। एक बार एक टॉपिक को उठाया है तो उसको खत्म करके डन करके रखो, उसके जस्ट नोट्स बना के रखो कि, और उसी बार हाथ की हाथ 3 बार रिविजन करो कि बार बार टॉपिक की, एक ही टॉपिक बार बार पढ़ोगे तो एक ही सब्जेक्ट पे रह जाओगे, एक बार में एक बार अच्छे से कर लो, मेरा कहने का मतलब है, ताकि रिविजन में फिर आसानी हो आपको, ऐसे करना है, ठीक है। ओके और कोई डाउट? आंसर राइटिंग का नहीं पूछा, मैं बता देती हूँ, आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग और एमसीक्यूज प्रैक्टिस, वो भूल गए हो, है ना। तो जैसे देखो, अगर आपने सोचा है 3 दिन मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ रही हूँ और राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, ठीक है, 3 दिन में आपने राजस्थान लिटरेचर्स का टॉपिक खत्म कर लिया, ठीक है बच्चे, खत्म कर लिया, और 3 दिन में राजस्थान की फिजियोग्राफी खत्म कर लिया, एक एक चैप्टर आपके ये कवर हुए, क्योंकि आप बिगनर हो ना तो आपको टाइम लगेगा, पर आराम आराम से करोगे अपने टॉपिक्स को तैयार, ठीक है, ऐसे आपने कर लिया। चौथे दिन, और उसको आपने, मैं ये मान के चल रही हूँ, जितना जितना आपने 3 दिन में पढ़ा है साथ साथ आपने 3 बार उसको रिवाइज किया है, ठीक है, और उसके जिस्ट नोट्स भी बना लिए, मैं ये मान के चल रही हूँ, ठीक है। चौथे दिन उसको रिवाइज करो जल्दी जल्दी, एमसीक्यूज बनाने बैठ जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब ले लो, राजस्थान धरोहर की बुक आती है इंग्लिश मीडियम की एमसीक्यूज की, हिंदी मीडियम में लेनी है तो लक्ष्य वाली आती है 10,000 क्वेश्चंस की, वो भी ले सकते हो, ठीक है। कोई भी एक किताब उठा लो राजस्थान जीके, इन टॉपिक्स वाला चैप्टर खोलो, एमसीक्यूज बनाने शुरू कर दो, 200 एमसीक्यूज मिलेंगे आपको, ठीक है, 200 में से आपको ऐसे मिलेगा 120-30 आपसे सॉल्व हो रहे होंगे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, 70-80 क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे वहां पे, तो ऐसा नहीं होगा कि एक बार जो आपने पढ़ लिया तो पूरा का पूरा उसमें से आपसे पढ़ा जाएगा, नहीं, 70-80 क्वेश्चन के जो नए फैक्ट मिलेंगे उनको अपने उन नोट्स के साथ लिख दो, उन पे रेड मार्क कर लो कि ये नए फैक्ट्स है, उनको याद कर लो, ठीक है, इतना काम कर लोगे। उसके बाद उन 120-30 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे, सारे तो सही नहीं करोगे, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे ना, इतना तो अच्छे से याद नहीं होगा, तो जो क्वेश्चंस गलत होंगे उनको रेड से मार्क कर लो और उनको तीन तीन चार चार बार दोहरा लो, ठीक है, ये काम कर लो। मैं नहीं कह रही पहली बार अच्छा पहले ही दिन में 200 के 200 क्वेश्चन बना लो, 100 बनते हैं 100 बना लो, 150 बनते हैं 150 बना लो, जितने आपसे बनते हैं उतने बना लो, ठीक है, तो ये काम कर लिया। उससे अगले दिन यानी जो संडे वाला दिन है, उस दिन आप मेंस के पेपर उठा के बैठ जाओ
और देखो कि राजस्थान फिजियोग्राफी से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, 2 नंबर का कौन सा है, 5 का कौन सा है, 10 का कौन सा है, राजस्थान लिटरेचर से 2 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, 5 का कौन सा है, 10 का कौन सा है, ठीक है। और उनको लिख के बैठो, आंसर राइटिंग शुरू कर दो। एक बार में बहुत बुरा आंसर लिखा जाएगा, दूसरी बार में उससे और अच्छा लिखा जाएगा, तीसरी बार में उससे और अच्छा लिखा जाएगा, आप खुद सोचोगे। शुरू शुरू में चाहे एक क्वेश्चन लिखो, लेकिन उसको लिखो, ठीक है, संडे वाले दिन उसको लिखो आप, और उसके लिए बहुत कम टाइम लो, 3-4 घंटे, 5 घंटे अभी के लिए काफी है। 3 घंटे भी करोगे तो मैं कहूंगी बहुत है, क्योंकि एक दिन तो रिलैक्स भी करोगे, संडे को तो रिलैक्सिंग डे भी रखोगे, तो उस दिन बस सोच लो कि 4 ही घंटे पढ़ना है, 2-2 घंटे दोनों की आंसर राइटिंग करनी है, ऐसे सोच लो, ठीक है। और फिर मुझे भेज देना, मैं आंसर लिख के चेक करके बता दूंगी, व्हाट्सएप कर देना कि कैसे लिखे हैं मैडम, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो सारा मैं बता दूंगी, ठीक है। तो ऐसे तैयारी करो, ठीक है। जो पढ़ो, 3 दिन का पढ़ा हुआ चौथे दिन भी रिवाइज कर सकते हो, वो सबका अपना अपना होता है। कुछ लोग 5 दिन का पढ़ के छठे दिन रिवाइज करते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो 3 दिन का अभी आप शुरुआत है, तो कहूंगी 3 दिन जो पढ़ते हो उसको चौथे दिन रिवाइज करो, 5वें दिन एमसीक्यूज बनाओ, 6ठे दिन आंसर राइटिंग करो, 7th डे आप पूरा रिलैक्स करो, मैं ये कहूंगी, क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हो अभी, और फिर धीरे धीरे आपका खुद ब खुद स्टेमिना और पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, आदत बन जाएगी फिर आपको, ठीक है। यस मैम, और कोई डाउट? नहीं, मैम अब सारे डाउट, क्लियर हो यस गए। कौन से सब्जेक्ट शुरू करोगे बताओ फिर मैम, मुझे, राजस्थान जीके के तो मैं लिंक भेजती हूँ, लिंक तो है ही नहीं आपके पास, है ना, लिंक भेजती हूँ, ठीक यस ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से शुरुआत कर लो, ठीक है। और इंडियन आर्ट एंड कल्चर तो वीकेंड पे चल रहा है, उसका सिर्फ वीडियो सुन लो, और उसके नोट्स तो मैं ऐसे बना पढ़ाती हूँ कि हाथ के हाथ नोट बन जाते हैं, है ना, देखा होगा आपने क्लास में, साथ साथ नोट बन जाते हैं उसके, तो उसके नोट साथ साथ बनाते रहो, ठीक है। यस मैम, बस इतना ही, चलो अब 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद मुझे बताना कैसी परफॉर्मेंस जा रही है, कितना तैयार कर लिया आपने, ठीक है। मुझे मैसेज के थ्रू बताना जरूर कैसी पढ़ाई हो रही है आपकी, ठीक है। चलो तो थैंक यू। अरे मोस्ट मैम, वेलकम, कभी भी पूछ सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बिगिनर्स अभी से बच्चे अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं और आरएएस की तैयारी शुरू से ही करना चाह रहे हैं। अब 11-11 घंटे बोला है तो इसको कंटिन्यू रखना है आने वाले 3 साल तक, ठीक है, इसको कंटिन्यू रखना है। अभी चाहे 8 घंटे शुरू कर लो, लेकिन 8 करो तो फिर 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे रखो तो 10 घंटे, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं करना एक दिन 12 घंटे और अगले दिन फिर 6 घंटे पे आ गए, ऐसे मत करना, ठीक है। फिक्स कर लो अपना टाइम, फिक्स कर लोगे आपको आदत पड़ जाएगी, आप रह नहीं पाओगे बिना पढ़े, फिर आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी कि आप रह ही नहीं पाओगे बिना पढ़े, ठीक है, सही है। चलो और भी कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज पूछ सकते हो, ठीक है। और मारो राजस्थान के जितने भी एमआरपीएनस हैं, आपको मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, मेरा कांटेक्ट नंबर लेके कनेक्ट कर लो, आपको किसी भी एग्जाम के लिए जूम मीटिंग करना चाहते हो आप कर सकते हो। और आई होप बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और एग्जाम की तैयारी के लिए, जिस भी एग्जाम, जो भी डाउट्स हैं बच्चों के उनको क्लियर करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय सपना, थैंक यू, थैंक यू मैम। ओके ओके।